क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ गुणनखंड करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, दिया है 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का 16z स्क्वायर प्लस का 12xy माइनस का 24yz और माइनस का 16xz। चलिए अब इसको सेट करते हैं। यहाँ देखो आप ध्यान से, यहाँ आप देख रहे हैं इसमें कि यहाँ माइनस में है, यहाँ माइनस में है, तो हमें पकड़ना होगा पहले कि एक्स वाई जेड में से कौन कौन सा टर्म माइनस में हो सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ जेड है, यहाँ भी जेड है, दोनों जगह जेड है, तभी ये माइनस में हो रहा है। इसका मतलब कि इसमें जेड वाला टर्म किस में होगा, माइनस में होगा। बात को पकड़ो, यहाँ माइनस आना है, यहाँ माइनस आना, अब दोनों जगह जेड वाला टर्म है, यहाँ तो वाई है, यहाँ एक्स है, सेम कौन सा मिल रहा है, जेड वाला टर्म, यानी कि जेड वाला टर्म इसमें माइनस में होगा। ये आपको पकड़ लेना है यहाँ से। अब देखिए, इसे आप लिखो 2x का होल स्क्वायर, इसे 3y का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसे लिखो माइनस का 4z का होल स्क्वायर। ये माइनस में मैंने क्यों दिया, यहां से मैंने पकड़ा, फिर प्लस 2ab यानी कि 2x और इंटू में 3y, फिर प्लस 2bc यानी कि इंटू में 3y और इंटू में माइनस का 4z, और प्लस का 2ca, तो c के जगह पर यहां पर है माइनस का 4z और a के जगह पर है 2x। अब देखो इसमें इंटू करोगे तो माइनस का 16xz आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 24xyz आ जाएगा ना जी। तो ये फॉर्मूले पे सेट हो रहा है किसका, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca उसी पे हो रहा है, यानी कि 2x प्लस 3y प्लस माइनस का 4z का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस ना हो जाएगा, यानी कि यह 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी को दो बार में लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z और इंटू में 2x प्लस 3y माइनस का 4z। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, इसका